इस बीच पश्चिमी मीडिया में यह आशंका जताई गई कि खुफिया दस्तावेज लीक मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 साल की जेल हो सकती है। उन पर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए व्हाइट हाउस से ईरान पर हुए हमले से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज लीक करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। और अब इसी मामले में वहां की कोर्ट में उन पर तीसरा मामला दर्ज हो गया, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इस मामले की जांच के दौरान परेशानी पैदा करने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने फ्लोरिडा के उस क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट कराने की कोशिश की, जहाँ उन गोपनीय दस्तावेजों के छिपे होने की आशंका जताई गयी थी। और इसी वजह से कोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में उन्हें सजा दिए जाने की मांग की गयी। और ये आशंका जताई गई कि अगर ट्रंप पर लगे आरोप सही साबित हुए तो उन्हें कम से कम 20 साल जेल में काटने पड़ेंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया में यह आशंका जताई गई कि खुफिया दस्तावेज लीक मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 साल की जेल हो सकती है। उन पर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए व्हाइट हाउस से ईरान पर हुए हमले से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज लीक करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। और अब इसी मामले में वहां की कोर्ट में उन पर तीसरा मामला दर्ज हो गया, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इस मामले की जांच के दौरान परेशानी पैदा करने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने फ्लोरिडा के उस क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट कराने की कोशिश की, जहाँ उन गोपनीय दस्तावेजों के छिपे होने की आशंका जताई गयी थी। और इसी वजह से कोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में उन्हें सजा दिए जाने की मांग की गयी। और ये आशंका जताई गई कि अगर ट्रंप पर लगे आरोप सही साबित हुए तो उन्हें कम से कम 20 साल जेल में काटने पड़ेंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया में यह आशंका जताई गई कि खुफिया दस्तावेज लीक मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 साल की जेल हो सकती है। उन पर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए व्हाइट हाउस से ईरान पर हुए हमले से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज लीक करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। और अब इसी मामले में वहां की कोर्ट में उन पर तीसरा मामला दर्ज हो गया, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इस मामले की जांच के दौरान परेशानी पैदा करने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने फ्लोरिडा के उस क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट कराने की कोशिश की, जहाँ उन गोपनीय दस्तावेजों के छिपे होने की आशंका जताई गयी थी। और इसी वजह से कोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में उन्हें सजा दिए जाने की मांग की गयी। और ये आशंका जताई गई कि अगर ट्रंप पर लगे आरोप सही साबित हुए तो उन्हें कम से कम 20 साल जेल में काटने पड़ेंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया में यह आशंका जताई गई कि खुफिया दस्तावेज लीक मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 साल की जेल हो सकती है। उन पर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए व्हाइट हाउस से ईरान पर हुए हमले से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज लीक करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। और अब इसी मामले में वहां की कोर्ट में उन पर तीसरा मामला दर्ज हो गया, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इस मामले की जांच के दौरान परेशानी पैदा करने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने फ्लोरिडा के उस क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट कराने की कोशिश की, जहाँ उन गोपनीय दस्तावेजों के छिपे होने की आशंका जताई गयी थी। और इसी वजह से कोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में उन्हें सजा दिए जाने की मांग की गयी। और ये आशंका जताई गयी कि अगर ट्रंप पर लगे आरोप सही साबित हुए तो उन्हें कम से कम 20 साल जेल में काटने पड़ेंगे।